नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। कोविड 19 हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को बदल कर रख दिया है। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनी, बैंक, शिपिंग कंपनीज अब ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही है। इसी मुद्दे पर हाल ही में ट्रेड रिबूट ने देश में एक वर्चुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ट्रेड रिबूट एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो कमोडिटी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज करती है। ट्रेड रिबूट के इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मशहूर कंपनियों के 2800 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बैंक, शिपिंग, इंश्योरेंस कंपनियों के लोग शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शिपिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट मनसुख लाल मांडविया ने किया। इनॉग्रल सेशन ऑफ द ट्रेड रिबूट ग्लोबल कमोडिटी कॉन्फ्रेंस श्री मनसुख मांडविया जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एज चीफ गेस्ट। एज हैज बीन एक्सप्रेस्ड, शिपिंग इज द बैकबोन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, सो प्लीज इनॉग्रेट दिस कॉन्फ्रेंस एंड शेयर योर इनॉग्रल एड्रेस। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। इस पेंडेमिक के दरमियान हमने बहुत सारे विषय को लेकर बहुत मंथन किया, चिंतन किया है। ये पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, हम बैठे नहीं थे। हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलता था, मैं, मेरी मिनिस्ट्री, कई कंसल्टेंट लोग, कई इंडस्ट्रीज, कई स्टेक होल्डर्स, सभी के साथ विस्तार से मंथन करके हम मैरिटाइम लॉजिस्टिक के लिए नेशनल पोर्टल बनाने की दिशा में क्या कर सकते हैं, उसके पर हमने विस्तार से काम किया। 27 स्टेक होल्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर आज के दिन है। शिप को पोर्ट में आने के प्रोसेस में पहले 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन आज 4 से 5 घंटे ही लग रहे हैं। डिजिटलाइज और ऑनलाइन सारी प्रोसेस हमने करने की दिशा में आगे काम किया, और इस पैंडेमिक ने यह कार्य को तेजी से पूरा करने में हमें अवसर भी दिया और प्रेरणा भी दी। हम अभी मैरिटाइम विजन 2030 बना रहे हैं। हम 10 साल में क्या करेंगे, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है, और उसमें भी हमें डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया है। और आने वाले 5 साल में शिपिंग सेक्टर और पोर्ट के यूजर्स को ऑफिस में आने की जरूरत न पड़े और सभी प्रोसेस घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाए, ऐसा कल्चर पैदा करना हमारा लक्ष्य है, और मैं चाहता हूं कि हम उसको पूर्ण करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि हर आपदा में एक अवसर होता है, आपदा अवसर को ले आती है। इस कोविड ने भी हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं जिनको हमें खोजने और तलाशने पड़ेंगे। अवसर तो है लेकिन खोजना पड़ता है, उसको तलाशना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की और आगे बढ़ने की संकल्पना जब देश के सामने रखी है, तब यह संकल्पना भी देश की व्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव अगले दिनों में पैदा करेगी। और इस पेंडेमिक के बाद एक न्यू नॉर्मल लाइफ आने वाली है, और एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए, और अब मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर मांडवियाज इनिशिएटिव दैट ही इज यू नो रिड्यूस द डाउन टाइम द वर्किंग टाइम फ्रॉम 5 डेज टू 5 आवर्स। आई मीन दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द इंडस्ट्री, ऑल द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अगेन थैंक यू वेरी मच सर शुक्ला जी, आई थैंक यू वेरी मच फॉर बींग पार्ट ऑफ द conference, and we definitely look forward to your support in future also. Focusing today on the impact of the pandemic on the market trend of metals and the key controlling factors, outbreak of coronavirus has severely impacted the world economic scenario and almost all the industries. Metal and mining industry is not an exception. This has changed the demand and supply scenario all over the world.
मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और इस साल कोविड 19 के कारण मेटल ऑर्गेनाइजेशंस को कई नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं, वहीं बढ़ते कंपटीशन के चलते ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वेलकम टू एवरीबॉडी। इन्हीं बदलावों को समझने के लिए आउटलुक एंड मार्केट ट्रेंड्स ऑफ मेटल्स विषय पर खास चर्चा हुई। कोविड 19 महामारी के दौरान बिजली की डिमांड में भारी कमी आई। रिन्यूएबल एनर्जी उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प साबित हुआ है, जिसके चलते दुनिया भर में कोयला उद्योग में मंदी का माहौल है। भारत में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे चार दशकों में पहली बार कार्बन एमिशन में भी गिरावट आई है। कोयला उद्योग को कैसे फिर से ट्रैक पर लाया जा सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुटे। कोरोना वायरस के कारण कई देशों ने चीन से व्यापार कम करने के संकेत दिए, इससे शिपिंग इंडस्ट्री पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। नए इनोवेशन जैसे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और एप्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। शिपिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये इनोवेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी मदद से आप कहीं भी किसी भी समय बिजनेस के बारे में जरूरी जानकारी पा सकते हैं। अगले सेशन में हमने शिपिंग इंडस्ट्री इन 2020 एंड इंपैक्ट्स फॉर कमोडिटीज विषय पर चर्चा की। बैंकिंग सेक्टर कॉरपोरेट ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देते आ रहे हैं। कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा चैनल है जिसमें ग्राहक इंटरनेट की मदद से कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं। कोविड 19 के बाद इसमें कई नए इनोवेशन हुए हैं। कुछ स्टार्टअप्स ने इंटरनेट बैंकिंग को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जो कम खर्च में बेहतर कस्टमर फ्रेंडली सॉल्यूशन देते हैं। क्या है ये नई टेक्नोलॉजी और इसका कितना प्रभाव पड़ा है बैंकिंग सेक्टर में, ये समझने के लिए हमने इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ B2B एंड कॉरपोरेट बैंकिंग विषय पर चर्चा की। डिजिटलाइजेशन से कई उद्योगों में बड़े बदलाव आए हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग भी इन बदलावों को स्वीकार कर रहा है और तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में ट्रेड रीबूट जैसा प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर ला रहा है। डिजिटलाइजिंग इन कमोडिटी ट्रेडिंग विषय पर ही हमने अपने अगले सेशन में चर्चा की। आज दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइज किए जा रहे हैं। इसके लिए बैंक फिनटेक कंपनीज का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनकी लेनदेन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े। ऐसा करने में ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे ग्लोबल पैनल में बैंकिंग उद्योग में डिजिटलाइजेशन के महत्व और सुधारों के बारे में बात हुई, जो आने वाले भविष्य में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। शिपिंग किसी भी ट्रेड इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए जब व्यापार ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के साथ खुद को बदल रहा है, तो शिपिंग इंडस्ट्री पीछे नहीं रह सकती। हमारे अगले सेशन में दुनिया भर के शिपिंग उद्योग के विशेषज्ञों ने शिपिंग उद्योग के विकास और भविष्य में आने वाले बदलावों के बारे में चर्चा की। भारत में लोग इंश्योरेंस को एक खर्च के रूप में देखते हैं और इससे होने वाले फायदे को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज के जीवन में इंश्योरेंस का काफी महत्व है। इस विषय पर हमने अपने खास मेहमानों से एक खास चर्चा की। दुनिया भर में ज्यादातर बैंक्स आज ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो डेटा शेयरिंग को बेहद सुरक्षित बना रही है। भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसकी मदद से बनाया जा सकता है। फिनटेक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे उनके ऑपरेशनल रिस्क और लागत में कमी आए। साथ ही कॉरपोरेट्स को रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे बिजनेस में पारदर्शिता बढ़ती है। डिजिटाइजेशन एंड ब्लॉकचेन MSME सेक्टर में और क्या क्या बदलाव लाया, इस विषय पर हमने अपने खास मेहमानों से एक खास चर्चा की।
कोविड 19 के दौर में सरकार खनन को रोजगार, रेवेन्यू जनरेशन और वैल्यू एडिशन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देख रही है। इसलिए जरूरी है कि खनन क्षेत्र के लिए सही नीतियां बनाई जाएं जो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों। क्या हो सकती है ये नीतियां, इस पर बात करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स इन मिनरल एंड ओर विषय पर हमने अगले सेशन में बात की। फिनटेक ने पिछले 12 से 15 सालों में काफी ग्रोथ देखी है। भारत में ज्यादातर बैंक ने इसे अपने मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बना लिया है। 2019 में फिनटेक में लगभग $55.3 बिलियन का निवेश हुआ और 2019 से 2025 तक ये 20-35% बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने ग्राहकों को कम लागत पर एक एफिशिएंट एक्सपीरियंस देता है। अगले सेशन में हमने फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री पर इस सेक्टर के कुछ दिग्गज लोगों से बात की। शिपिंग ट्रेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पोर्ट्स एक प्रमुख क्षेत्र हैं जो शिपिंग उद्योग के अंतर्गत आते हैं। शिपिंग उद्योग के विकास के लिए पोर्ट्स को डिजिटल बनाना जरूरी है, साथ ही मौजूदा मैनुअल हैंडलिंग प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करने की भी। इससे कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट कम होगी। क्या तरीके हो सकते हैं इसे लागू करने के लिए, इस विषय पर हमने अपने खास मेहमानों से एक खास चर्चा की। In this 21st era, where every minute is valuable and everything is moving fast, trade is still governed by the system designed decades of years ago, which needs a digital change. At Trade Reboot, we bring to you a revolutionized way to trade, ensuring the speed and security for each and every trade transaction. Are you a trader who is worried about decreasing sales post-COVID, or is muddled about tons of paperwork to draft a contract and having problem with KYC every time you proceed with a trade? Or are you worried about your logistic issues? Or anxious about which payment method to trust upon? Are you a banker who has to go through piles of paper to process each day and night to check for fraud? Are you an insurer who have to carry out rigorous work to check whether the claimant's claims are trustworthy or not? Are you an inspection agency who is trying to increase its clientele? Or are you a carrier who is looking to spread its reach and want to get digitized? Responding to the needs of our clients, Trade Reboot brings to you a tailor-made web-based solution for all your needs. With our digitized solution, you can streamline and simplify your trade process. Trade Reboot provides smart, intelligent contracts highlighting all amendments between recaps, enabling quick requests and settlement of LC and financing. Receive real-time notification and status of the goods through our novel IoT tracking. We also present you with our customizable business intelligence dashboard, digitized lake-in management, and much more. At Trade Reboot, we help corporates, banks, carriers, trade financer, insurers, and inspection agencies to come under a single platform and help them in transacting and connecting with each other globally by utilizing our blockchain platform. With our strong combination of trade finance expertise, technology, and legal framework, you can optimize your working capital, secure trade finance, and reduce the risk and cost of trade. So what are you waiting for? Contact us or get in touch with us directly with our sales team. Or search us through our informative and user-friendly website. And don't forget to follow us on our social media handles for regular updates. Have a great day. Virat Compressive Strength Ambuja Cement. Short Blast SIP. छोटे समय के लिए बड़ी एसआईपी। अगर समझिए आज 8,700 के आसपास बंद हो रहा है, वहां पर आ रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 8,300-8,400 के आसपास आजकल परसों कभी मिले, और अगर ही आज 8,300 आ जाए तो 40% डालिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 7,500-7,600 के आसपास जाए तो वहां 20% और जाएगा आपका। ओके, ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी है,
लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। तीन चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से, अगले छह हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। ओके। और अगले छह साल के बाद, अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, छह साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका जो प्यार होगा ना, वो मेरे लिए कई गुना होगा। बिग बोल्ड ब्यूटीफुल ऑल न्यू निसान मैग्नेट, बुकिंग्स ओपन सून। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल, विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स, सदाबहार है सरी साहब, तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज, सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट, और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। सुबह 8 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर परफेक्ट स्ट्रेटेजी, 8:30 बजे खबरों और नतीजों के दम पर शेयरों में सटीक राय, 9 बजे आएगा मजबूत फंडामेंटल वाला मालामाल शेयर, 9:08 पर आप लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पहला ट्रेड, 9:15 से शुरू होगी एक के बाद एक धमाकेदार कॉल्स, 9:30 बजे मिलेगा मजबूत फंडामेंटल वाला एक बेहतरीन शेयर और साथ ही कैश का ऑप्शन भी, 10:00 बजे करेंगे 10 की कमाई और शानदार एसपीएल मिड कैप स्टॉक की, 10:45 पर न्यूज पर व्यूज में जानिए मैनेजमेंट से अंदर की बात, यानी कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर सबके काम का शो, सुबह 7:50 से नॉन स्टॉप 11:00 बजे तक रहिए मेरे साथ शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ जी बिजनेस पर। रिजल्ट सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर देखते रहिए। इस ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस में लगभग 3,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और साथ ही 60 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्पीकर्स भी हैं, और चर्चा का विषय यह है कि आखिरकार ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें और उस पर कमोडिटीज मार्केट की बात करें तो वहां पर टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है, टेक्नोलॉजी जीवन को सरल बनाती है क्या, वो बिजनेस को भी सरल बना सकती है, ट्रेड में भी क्या उसका उपयोग हो रहा है, इस पर विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। और इसी क्रम में हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हैं श्री संजय भाटिया, माननीय उप लोकायुक्त महाराष्ट्र स्टेट, फॉर्मर चेयरमैन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। संजय जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संजय जी डिजिटल एरा है तो आप जब कमोडिटीज बाजार की बात होती है और खासतौर पर यदि हम पोर्ट के विकास की बात करें तो वहां पर तकनीक के इस्तेमाल को कैसे देखते हैं? पोर्ट्स में तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन है, और आपने देखा होगा कि पोर्ट्स की जो प्रोग्रेस रही है
ऑटोमेशन के साथ साथ और कंटेनराइजेशन के साथ साथ चेंजेस होते गए, फैक्ट पोर्ट्स ही काफी तरह से बदल गए पूरी तरह से। तो अभी पीछे तो लास्ट ईयर तक जो डिजिटाइजेशन की गई, जैसे कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम PCS 1+, ये जब डेवलप किया, और ईज ऑफ बिजनेस के लिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, इस तरह की चीजें जो की, उससे अपना जो कंट्री का रैंक है, इंडिया का रैंक, वो इन मेनली इन चीजों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 146 से ये 68 पे आ गया, 68 पे। अच्छा, अब जो आगे की प्लान है वो बहुत बड़ी है, मतलब ये कंपेयर टू आगे की प्लान ये बड़ी छोटी चीजें थी। आगे की प्लान में शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा 2030 का विजन बनाया है, मैं भी उसका पार्ट था जब मैं वहां पे था एज अ चेयरिंग 3 ऑफ देयर सेशंस, उनके 13 सेपरेट थे जिसमें से 3 मेरे पास थे, उसमें से एक ये था अपना डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन, और वो अब फाइनली पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एंड जो मेरे को खबर है कि शिपिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जी के पास वो जल्दी ही लेके जाने वाली है प्रेजेंटेशन के लिए, देन इट विल स्टार्ट। बट उसका जो मेजर पार्ट है जी, वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। सो जितने मरीन के स्टेक होल्डर्स हैं सबके सब कनेक्ट होंगे उसमें, सब इम्पोर्टर, सब एक्सपोर्टर, सब शिपिंग लाइन्स, सब पोर्ट्स और जितने बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। तो PCS 1+ अपग्रेड होता है टू NLP मरीन। तो इस NLP मरीन का फिर जो फायदा होगा कि एक बार कंट्री का पूरा सेटअप हो जाता है तो फिर दूसरी कंट्रीज के NLP मरीन के साथ भी लिंक होगा। ग्लोबल कमोडिटीज कॉन्फ्रेंस में सभी प्रतिभागी इस पर चर्चा करें कि आखिरकार कमोडिटीज के बाजार में तकनीक हमारी कैसे मदद कर सकती है। चलिए बातचीत करते हैं एक विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं CA अजय कुमार धानदानिया, जो कि चेयरपर्सन है ICI UK चैप्टर के और तकनीक में खास रुचि रखते हैं। अजय जी, देखिए जो तकनीक है और स्पेसिफिक जो हम डिजिटाइजेशन की बात, वो काफी तेजी से अपने हमारे सारे जीवन के जितने भी हमारे सिस्टम है उसमें आ रहे हैं, स्पेशली इन बैंकिंग। तो जो कमोडिटी है वो अभी भी थोड़ी पीछे है, एंड द रीजन बीइंग कि हमारे काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर हैं, जो हमारे कमोडिटी ट्रेड में काम आते हैं, वो अभी भी फिजिकल हैं। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? तो आप डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट लाइक शिपिंग कंपनी से डील करते हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे है, बट दे आर वो काफी तेजी से हम उस जगह पहुंच रहे हैं। एंड मेरा ख्याल है कि मेरी एक साल और दो साल मैक्सिमम भी हमारा जो डिजिटल एजेंडा है पूरे कमोडिटी मार्केट का और द बैंक का, आई थिंक वी विल बी देयर इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में कॉरपोरेट बैंकिंग किस तरह से विचार करे, कौन से इनोवेटिव आइडियाज पे कार्य करे, क्या यहाँ पर कॉस्ट भी एक फैक्टर है, क्या कस्टमर तैयार है इस बदलाव के लिए? तो देखिए जो कॉस्ट है वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन फैक्टर के साथ साथ कॉस्ट क्या है कि आप देखते हैं हमारा रिटर्न कितना है। तो जब हम कोई भी चीजों को आज टेक्निक जब यूज कर रहे हैं, तो जब हम टेक्निक यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन है वो कम हो जाता है। नॉट ओनली वो कम हो जाता है बल्कि हम कस्टमर को काफी फास्ट उनको रेस्पॉन्स दे सकते हैं। अभी जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे देखते हैं आप कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ग्लोबल कमोडिटीज ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं? आई थिंक द टेक्नोलॉजी ऑलवेज हेल्प्स टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ द बायर एंड द सेलर, बोथ हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइसेस, सो दैट नोबडी इज पेइंग ओवर और अंडर। The quality related issues were also being taken care of very well with the usage of the technology and the transparency, what we can see that. ये तो बात हुई अपने supplier and buyer की और the traders की। अगर आप authorities की बात करें, जैसे सरकार है, government है, उनको लेकर देखें तो जो भी भारत देश के अंदर we faced a lot of issues in terms of under invoicing, over invoicing kind of a problems, ये डिजिटल पुश और प्रॉब्ली द टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग और प्रॉब्ली कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ऑल दिस करप्शन रिलेटेड इश्यूज और दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ द कमोडिटीज ट्रेडिंग और द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट व्हाट वी आर फेसिंग एट द मोमेंट। तो दर्शकों को यदि आप सरलता से थोड़ा समझाएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम कैसे समझें, और अगर हम कोयले की बात करें
तो क्योंकि कोल मैन्युफैक्चरिंग काफी होती है और भारत की आज भी निर्भरता ऊर्जा के लिए कोयले पर काफी है, तो कोयले की मैन्युफैक्चरिंग में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं रोजमर्रा के जीवन में? Blockchain is a is basically a technology which authentically gives a bit long unique identification number to the document which has been registered only for that document. So, आज ये होता है कि आज कोयला या कोई भी commodities भारत देश में आए, at times we have seen that like the multiple documents, भले ही product भारत के अंदर नहीं आ रही है लेकिन उसके तीन time पैसा भारत की बैंकों से बाहर निकल के जा रहा है. So there are a lot of issues related to those things where the fraud is being happened, people using this route to put the money out of India and all this thing. So blockchain se ye ho jayega ki aaj ek bank ko pata chal raha hai ki ye document is there, uske samne ye product India mein aa rahi hai, to wo multiple nahi hoga pehli baat to. So that is the one thing which is more about authentication and then it's kind of a registry. इसलिए जैसे अपनी एक होती है राइट, जिसकी सरकार की रजिस्ट्री होती है जिसमें जाके आप डॉक्यूमेंट चेक करते हो इधर ये सही है गलत है, तो ब्लॉकचेन इज लाइक अ ग्लोबल लेवल काइंड ऑफ रजिस्ट्री. नमस्कार, TRGCC 2020 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है. टेक्नोलॉजी का दौर है और आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिरकार ग्लोबल कमोडिटीज बाजार में टेक्नोलॉजी का कैसे हम लाभ ले सकते हैं. इसी उद्देश्य से 3 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसका शीर्षक था ट्रेड रीबूट ग्लोबल कमोडिटी कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 3,000 प्रतिभागी थे और 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर. आइए कुछ स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं. इस समय हमारे साथ हैं श्री देवेंद्र अरोलकर, डायरेक्टर मोहित मिनरल्स. देवेंद्र जी नमस्कार. नमस्ते जी. नमस्ते. जिस पैनल डिस्कशन में आपने भाग लिया उसका शीर्षक था फ्यूचर आउटलुक ऑफ कोल इन द पोस्ट COVID-19 सिनेरियो, तो सेशन के मुख्य आउटकम्स क्या निकल कर आए? एक तो निकल कर आ रहा है कि कोल जो जगह पे था पहले बिफोर कोविड वही जगह से पोस्ट कोविड में कंटिन्यू करेगा. प्राइमेसी ऑफ कोल इज हियर टू स्टे डिस्पाइट यू नो सो मच टॉक अबाउट सोलर एंड विंड. द सेकेंड पार्ट इज अवर कंट्री हैज बीन ब्लेस्ड विद एबंडेंट रिजर्व्स ऑफ कोल. अनफॉर्चुनेटली for quite some years the mining has not kept pace with the demand. Between 2010 and 2017 power sector capacity addition, coal based power, was between 10 to 13%. Okay, where the mining output or coal mining production. Devendra ji, coal mining production ko agar covid ke baad badhava dena hai isme technology ka role kaise dekhte hain aap? Abhi hamara coal chain jo hai kafi fragmented hai. Okay, mining independently hota hai, वहां से जो डॉक्यूमेंट्स है इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो अभी भी फिजिकल मोड में है, पेपर्स है या मैक्सिमम वुड बी यू नो स्टैंड अलोन व्हाट्सएप मैसेजेस. जो लेवल का इंटीग्रेशन होना चाहिए बिटवीन द माइनिंग मशीन्स, बिटवीन द माइन मैनेजमेंट, बिटवीन द कोल कंज्यूमर्स, बिटवीन द कोल ट्रांसपोर्टर्स. ओके, हर एक लेग में एक एक सोल्यूशन है. लाइक माइनिंग में यू हैव माइनिंग सॉफ्टवेयर. ओके, देन यूजर साइड में यू हैव SAP. और लॉजिस्टिक्स में देर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड IntelliPlanner विच गिव्स यू GPS पोजीशन ऑफ वेरियस ट्रक्स एंड वेरियस इक्विपमेंट. ओके, फॉर माइनिंग यू हैव मॉड्यूलर माइनिंग स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर. ये सब को इंटीग्रेट करके सो दैट देर इज अ सीमलेस फ्लो फ्रॉम वन एंड. सो डेटा विच इज जनरेटेड एट वन पॉइंट शुड नॉट बी अगेन रिक्वायर्ड टू बी री एंटर्ड और मैन्युअली टू अनदर प्लेटफॉर्म. डिजिटाइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इस विषय पर बातचीत के लिए अब मेरे साथ हैं श्री संदीप जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज. संदीप जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है. भारत की बात करें तो भारत में कॉमोडिटीज मार्केट कितनी विकसित हुई है और इस संदर्भ में बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का रोल कैसे देखते हैं आप? कॉमोडिटीज की अगर बात करें तो भारत में डेफिनेटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो क्या है कि हमारा पूरा डिपेंडेंस जो था वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर हुआ करता था. अभी इन दिनों MCX और BSE, NSE ये सारे एक्सचेंजेस मेटल्स का डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिए हैं. तो हमें अगर भारत में किसी भी MSME या कोई भी कॉरपोरेट को अगर मटेरियल लेना है तो वो MCX के प्लेटफॉर्म से ले सकता है. और एक बड़ी बात ये है कि जो प्राइस डिस्कवरी वो इंडियन एक्सचेंज के थ्रू डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हो रही है.
पहले एलएमई कॉमेक्स या शांघाई एक्सचेंज को बेंचमार्क बना के सेटलमेंट्स होते थे, लेकिन अभी ये तो डायरेक्ट हम जैसे डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस डिस्कवरी हो रही है जी। और अगर हम बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का इतिहास देखें तो 50 सालों का इतिहास है, तो दशक दर दशक कैसे तकनीक को अपनाया है और 21वीं सदी में क्या आपको लगता है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टेक्नोलॉजी से और लाभ मिल सकता है? सबसे पहले बॉम्बे मेटल एक्सचेंज एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली मेन एक्सचेंज एसोसिएशन का मेन बेसिकली काम यह है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और कोई आर्बिट्रेशन का इश्यू है या कोई भी लोकल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए वो सारे इश्यूज करता है। लेकिन बेसिकली बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का एसोसिएशन सेबी, एमसीएक्स, बीएसई, एनएससी सारे ऑर्गेनाइजेशन से है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट होते हैं इन एक्सचेंजों पर, तो वो सारा बेसिकली बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के मेंबर्स पहले उसके साथ उनके साथ चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वैसे यू डिड मॉडरेट द पैनल ऑन द टॉपिक द शिपिंग इंडस्ट्री इन 2020 एंड इम्पैक्ट ऑन कमोडिटीज, सो प्लीज डू टेल आवर व्यूअर्स द मेजर आउटकम्स ऑफ दैट पैनल डिस्कशन। द आउटकम वाज दैट कमिंग इयर्स द मार्केट आर गोइंग टू बी वोलेटाइल, वी गेट अ आउटकम दैट द सप्लाई साइड we should see the kind of balance. There is not so much order books placed into that, and the demand, as we see that after COVID, to spring back, so it will give a kind of sustainability as what we see from this was. I think we are going to get a little bit better on the shipping side. So how do you see the initiative of Trade Reboot, where the idea is to bring all the stakeholders, the suppliers, traders, buyers on one platform and harness technology? What I see, the Trade Reboot is somewhere at that juncture, you know. This is just a tipping point for Trade Reboot to get inside. Today we may see some people might say yes or no or positive, negative, but I think in a couple of years, maybe a year or 2 years ahead, it will be must actually, because banks can see you as an owner, can see you as a trader, can see you as an insurance company, so every marketplace will come into that. So this not kind of a one in-house or internal this thing, but it's a very much commercial platform. Yesterday we had a discussion, we had a trader, we had a ship owner, we had a, I myself as an operator. So when we combine the three circle, this is a four circle, you know, from the owner perspective and from the trader perspectives, and then we see the operator perspective. So the triangle fits into very much into that. And the Trade Reboot is a technology which brings into. So it's going to take a central stage for all the things. And most important is the finance, the banks. Today I want to take a working capital, so how can I do? How do I have to do the bunch of documentation, etc.? If they are all in the platform, you know it. They can just look at it and can get it actually. त्योहारों में मिलना जुलना होगा, घूमना फिरना होगा, खाना पीना होगा, खूब खरीदारी होगी अरी होगी, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। जिम्मेदारी कोरोना टेस्ट करवाने की, अगर हल्के लक्षण भी दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं। दिल्ली में जगह जगह कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स खोले गए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना टेस्ट एकदम फ्री है। साथ ही मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि त्योहारों की खुशियों के बीच कोरोना ना आए। शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी, छोटे समय के लिए बड़ी एसआईपी। अगर समझिए आज 8,800 के आसपास बंद हो रहा है, वहां पर आ रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 8,300-8,400 के आसपास आजकल परसों कभी मिले, और अगर ही आज 8,300 आ जाए तो 40% डालिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 7,500-7,600 के आसपास जाए तो वहां 20% और जाएगा आपका, ओके। ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी है, लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से।
तीन चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से, अगले छह हफ्तों के लिए करनी है ओके. और अगले छह साल के बाद, अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, छह साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे. अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका जो प्यार होगा ना वो मेरे लिए कई गुना होगा. जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल, विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स, सदाबहार है सरी साहब तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज, सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर. जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल. सुबह 8 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर परफेक्ट ट्रेडिंग, 8:30 बजे खबरों और नतीजों के दम पर शेयरों में सटीक राय, 9 बजे आएगा मजबूत फंडामेंटल वाला मालामाल शेयर, 9:08 पर आप लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पहला ट्रेड, 9:15 से शुरू होगी एक के बाद एक धमाकेदार कॉल्स, 9:30 बजे मिलेगा मजबूत फंडामेंटल वाला एक बेहतरीन शेयर और साथ ही कैश का ऑप्शन भी, 10:00 बजे करेंगे 10 की कमाई और शानदार एसपीएल मिड कैप स्टॉक की, 10:45 पर न्यूज पर व्यूज में जानिए मैनेजमेंट से अंदर की बात, यानी कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स सबके काम का शो, सुबह 7:50 से नॉन स्टॉप 11:00 बजे तक रहिए मेरे साथ शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ जी बिजनेस पर. रिजल्ट सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर देखते रहिए. Global trade is growing at a pace that has not been witnessed before, and this global trade is dependent on shipping. How dependent? 90% of all shipping happens through seaways. In fact, the $180 billion U.S. dollar global shipping industry is larger than the GDP of most of the countries. But the shipping industry is still not working on full potential because it is still governed by the decades-old process. It is not changing at the same pace as the new technology. With Trade Reboot's Logitech, we want to change that, opening up more opportunities and increasing efficiency. At Logitech, Shipper gains access to a whole market of traders or charter parties where he can sell his services. At the platform of Trade Reboot, he can be sure that the party he is dealing with is legit, as we have a strict background in KYC check. He can provide quotations to the charter party and can immediately form a shipping contract with them. They can decide the terms of payment, even freight letter of credit, and can process it in no time. After forming the contract, shippers need to do a lot of preparations. He needs to rent some bunkers, hire technical support for his vessel maintenance. He may also need some finance for all this. But at Logitech, he can do all these things at a single platform. He can make deals with bunker agencies,
hire some technical support, and even avail finance to support his voyage. The shipper can also make a laytime sheet on the platform, which will be visible to the charter party, so there will be no case of a dispute of demurrage and dispatch charges and can be settled upfront. This whole process can reduce the administrative cost up to 80%. The shipper will rest assured that all of his transactions, information, and document will be secured thanks to blockchain technology. Shipper also don't need to worry about bill of lading. Wait for the charter party to collect it, as he can make it on the platform and share it with the charter party. This completes the shipping process, which is now more efficient, faster, and cost efficient. Namaskar, main hoon Mrityunjay Kumar Jha, aur Trade Reboot ki is virtual conference mein aap sabka bahut swagat hai. Conference ka sabse bada maksad ye hai ki badalte daur mein कमोडिटी ट्रेड में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को किस तरह से बढ़ाया जाए, या फिर जो टेक्नोलॉजी का रोल है, जो टेक्नोलॉजी की भूमिका है, वो कितनी बड़ी भूमिका है कमोडिटी के ट्रेड में, और कितना बड़ा पोटेंशियल है कमोडिटी की ट्रेडिंग में, खासकर एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, इसी को हम समझेंगे. हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो आपको डिटेल में ये बताएंगे कि बदले दौर में कितनी भूमिका बदली है, रोल कितना बदला है टेक्नोलॉजी का, और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है आगे ट्रेड बूस्ट करने के लिए. मेरा सबसे पहला सवाल डेलवाल जी आपसे होगा, क्योंकि आप मेंटर हैं ट्रेड रिबूट को, आप बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं. तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये हम लोग सुन तो रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मास लेवल पर इसकी पहुंच बन नहीं पाई है. तो आपके दिमाग में जब ये क्रांतिकारी आइडिया आया ब्लॉकचेन का, तो इसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा फ्यूचर है इस टेक्नोलॉजी? हमने अभी तक आज तक कमोडिटी में हम एक ट्रेड कर रहे होते हैं, पेपर ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, 300 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि हम इस प्रोसेस को कितना टेक्नोलॉजी यूज करके इसको अच्छा बना सकते हैं, एफिशिएंसी मतलब लेके आ सकते हैं. तो उसी वजह से एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को कमोडिटी में लाया. जो प्रोसेस होता है कमोडिटी का, आज ट्रेड करने का, जो हम फिजिकल रूप से बात करते हैं, फोन करते हैं या ईमेल करते हैं, या हम कॉन्ट्रैक्ट को भेजते हैं, कॉपी को प्रिंट आउट निकालते हैं, साइन करते हैं, या हम उनको मतलब आज एलसी खुलाते हैं या पेमेंट करते हैं, या एलसी का पेमेंट मतलब आता है. तो देखा गया है कि एलसी का पेमेंट भी आज 15-20 दिनों में आता है. आज हम कोई भी ट्रेड को करते हैं तो प्रिंट आउट निकालते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो ये सब जो प्रोसेस है उसमें 15-20 दिन जाते हैं. और ये प्रोसेस को यदि हम टेक्नोलॉजी से लगा देते हैं, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी एक यूज करने लग जाते हैं, जहां पे बायर सेलर होता है, ब्लॉकचेन तो उसका बेनिफिट वही है कि हम बायर सेलर को सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम बात कर सकते हैं. तो आज उस टेक्नोलॉजी को मैंने सोचा कि आज एफिशिएंसी लेके आएंगे पूरे सिस्टम में, तो आज इंपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा, आज बैंक को बेनिफिट मिलेगा, और ये जो ट्रेड है पूरे भारतवर्ष में, हमारे ये पूरी वर्ल्ड में जो 700 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी, और कम से कम 20-30% जो एफिशिएंसी पूरे पूरे ट्रेडर को मिलेगी, और बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम मिलेगी. तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करने के सोचा कि ये टेक्नोलॉजी इस दिशा में यूज होनी चाहिए. लेकिन अब राजेश सोमानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कमोडिटी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नई टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा फायदा आप कमोडिटी के ट्रेड में देख रहे हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज इंप्रूवमेंट इन द डिसीजन मेकिंग. सेकेंड इंपोर्टेंट इज द शार्पर एंड फास्ट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट benefit of technology come from process improvement, and process improvement comes when technology has virtually taken away political and geographical boundaries out of the map, and that is where the process can, as process is going to improve lot and save, going to save the time, and the blockchain is one of the instrument according to me, which is not only going to improve the time process, but also going to contribute lot about paperless business model. तो मिस्टर सिद्धार्थ कसेरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जैसा कि मुझे मालूम है कि आपने शुरू किया है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्या वाकई एक बहुत ही
एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, और क्या आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा बदलाव इस ट्रेड में आने वाला है? बेसिकली ये पूरे एलिमिनेट करता है ज्योग्राफिकल जो भी चैलेंजेस है ना फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स, बिकॉज हम जो ट्रेड करते हैं वो कभी अलग अलग यू नो कंट्री से करते हैं, कभी इंडोनेशिया से करते हैं, कभी साउथ अफ्रीका से करते हैं, कभी ब्राजील से करते हैं, तो सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म में ले आता है। तो एक प्लेटफॉर्म होने के कारण हर लोग एक देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, एलसी प्रॉपर्ली टाइम पे खुली है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद आपका अमेंडमेंट्स अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है तो वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, तो ये सारी सिक्योरिटी प्रॉपर्ली एक स्टेक होल्डर को दे देता है और एफिशिएंसी से काम इसमें हो जाता है। इसके काफी बेनिफिट्स हैं, मैं कुछ आपको जैसे बताना चाहूंगा, जैसे धीरज जी ने भी कहा कि टाइम वेस्टेज जो है वो खत्म हो जाता है, जैसे कुरियर हम देते हैं, हम सप्लायर ने कुछ डॉक्यूमेंट बैंक को लगाए, बैंक फिर वो बायर को लगाती है, तो वो जो टाइम जो होता है वो पूरा एलिमिनेट कर देता है। उसके चलते क्या होता है, अनप्रोडक्टिव टाइम पूरा सेव हो जाता है, फ्रॉड इसमें पूरा एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ देख सकते हैं। अब मैं आपके पास करता हूं कैप्टन गोविंद गौतम जी, और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि शिपिंग एक ऐसा ऐसा फील्ड है, ऐसा सेक्टर है जो लंबे समय से हमने देखा है कि इसमें पिछले कुछ दशकों से भारी उतार चढ़ाव देखने को आया है इस सेक्टर के पूरे मिजाज में, कारोबार में, और चूंकि आप भी यूजर हैं इस टेक्नोलॉजी का, तो कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप पहले के मुकाबले और अब आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव इस सेक्टर में आप देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के आने से? बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इज गोइंग टू ब्रिंग द ओशियन चेंज इन कमिंग ईयर्स। जब शुरू में आता है तो इट लुक्स लाइक अ वांट फॉर द पीपल दैट वेदर यू वांट, बट सडनली यू फाइंड दैट इट बिकम्स योर नीड्स। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट विच इज गोइंग टू ब्रिंग विद दिस टेक्नोलॉजी। बिकॉज why we say, because trading and shipping involves multiple counterparties. Like for a one trade of coal to come from Indonesia to India, there is a miner, then there is a actual shipper, maybe the trader, you know, and then trader has sold the cargo to somebody else in the chain, and then there is a receiver, then there is a vessel owner, then the vessel owner has a managers, then they got a real owners, then on the ship you got a chief engineer, maybe the chief engineer from another technical managers, you know, then you got an agent, each vessel has got a three agent, and then there is a bunker supplier. So there are so many counterparties, and if you see, if you are looking at a very small scale, somebody is doing, let's say, even for us, we're doing over 15 million metric tons of per annum, it's already a kind of Herculean task if we don't try to organize it, because the company can run by the processes only. So I believe that going forward, it is going to be the need for everybody, and it will add the speed, efficiency with the transparency. Bank ka bhi janna bhi bahut zaruri hai, aur mere sath Mr. Alok Kedia hai, country head hai IndusInd Bank ke. Alok Kedia ji, main aapse janna chahta hu kyunki ab dekhiye ki pura jo export import ka jo pura process hota hai usme bankon ka role bahut mahatvapurna hota hai, to aapko lagta hai ki ye ek bada paradigm shift hoga kyunki abhi jo banking ho rahi hai, halanki bahut had tak hum log अपने आप को हमने अपग्रेड किया है, लेकिन आपको लगता है कि नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बड़ा बदलाव बैंकिंग के कामकाज में भी आएगा, क्योंकि जो पूरा ट्रेड का ट्रेड जो है वो जुड़ा हुआ है बैंक से, अगर बैंक से कॉपरेट होगा तभी ये पूरा सिस्टम कामयाब हो पाएगा, तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बैंकिंग के कामकाज में, लैंडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? मेरे हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी क्षेत्र में होने वाला है तो वो बैंकिंग, तो और ये फायदा सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में सिर्फ बैंकों को ही नहीं है, सबसे ज्यादा फायदा इसमें कस्टमर्स को है, तो बैंक को भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है। ऑब्वियसली स्पीड बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड दैट इज व्हाट काउंट्स। ओके, एंड एंड व्हाई आई से कि सबसे बड़ा फायदा इसमें या सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसमें बैंकों को ही होने वाला है, कि बिकॉज बैंक्स में हम लोग क्या, हम लोग बेसिकली बैंक्स में दो चीज में हम लोग डील करते हैं, डेटा एंड प्रोसेस। ओके, अदरवाइज तो फिर इनफैक्ट आजकल आप देखो तो मनी भी, मतलब सारे हम लोग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द मनी बहुत कम हो गया है, सारा मतलब डिजिटल वे में ही सारा आजकल ट्रांजेक्शन होने लग गया है बैंकों में भी, तो डेटा है और प्रोसेस है, एंड दैट इज वेयर एक्चुअली दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कम्स इन। मतलब आजकल बैंकों में इतने सारे मतलब प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं, बेटर हो गए हैं, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि हम लोग आज शायद 5 साल पहले भी सोच नहीं सकते थे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज कमिंग। इतने नए कस्टमर्स को हम लोग बैंकिंग इज एबल टू रीच दोज न्यू कस्टमर्स
ओके अगेन उतनी तक हमारे पहले रीच नहीं थी, ठीक है, नॉट जस्ट रीच, आई मीन एलिजिबिलिटी उनके नहीं बैठती थी इतने फॉर एग्जांपल लोन्स के लिए, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आई मीन वी आर एबल टू रीच आउट टू द न्यू कस्टमर्स, रीच आउट टू द न्यू कस्टमर्स फ्रॉम द एलिजिबिलिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो. इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो फिजिकल हम काम काज करते हैं, जो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, जो बाकी चीजें करते हैं, और अब जो ऑनलाइन इस तकनीक के जरिए करेंगे, क्या इसमें कुछ खर्च में भी अंतर आता है, इसमें कुछ ज्यादा खर्च लगता है, कम लगता है, ये भी अगर आप बता पाए तो बड़ी आसानी होगी हमारे व्यूअर को समझने. इसका इतना खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कराने की बात कर रहे हैं, केवल एफिशिएंसी नहीं है, आपको वैल्यू एडिशन है. कोई भी धंधे में, कोई भी बिजनेस में, किसी को भी जब तक की प्रॉपर फायदा नहीं होगा उसका कोई उसका मतलब नहीं है. आज की कंप्लायंस के लिए नहीं है ये, हमको बिजनेस में फायदे के लिए है. आज मैं 2 रुपए की चीज यदि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके 1 रुपए 75 पैसे में ले आता हूँ तो मुझे फायदा है. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 50 सेंट मतलब $1 की बात कर रहे हैं हम, तो करीबन हर ट्रेड में डॉलर टर्म्स में बात करें तो 40 से 50 रुपए पर यूनिट जो भी खर्च, वो इसमें एफिशिएंसी आती है. अच्छा. पूरी बुरी आज कोई भी ट्रेड में मैं यदि उस हिसाब से एंगल से देखो, आज हमारे देश में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट $700 बिलियन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है. यदि ये पूरी टेक्नोलॉजी 3-4 साल जो भी साल में पूरा पूरा हमारे सिस्टम में लग जाती है, हम एक्सपोर्ट में यूज करने लग जाते हैं और पूरा इंपोर्ट में यूज करने लग जाते हैं, तो मैं आज ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको इस एफिशिएंसी का 20-30% फायदा मिलता है इन इकोनॉमिक टर्म्स, पैसे रुपए में. आज मैं 10 रुपए की चीज को कोई भी चीज हायर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट पूरा मिलता है. आज 9 रुपए 50 पैसे 9 रुपए 40 पैसे में, लेकिन उसको मैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करता हूँ, 5-10 बार रोटेट कर लेता हूँ, तो वो चीज को मेरे को करीबन आराम से $3-4 का फायदा मिल जाता है. तो मैं 30% प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने सही बोला है कि ये टेक्नोलॉजी यदि हमारे व्यवसाय में, हमारे रोज व्यवसाय में हम यूज करने लग जाएंगे तो हमारे को एफिशिएंसी बहुत आ जाएगी और हमारे को प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा. और बैंक, जो आलोक केडिया जी ने बोला, बैंक को भी प्रॉफिट है, ज्यादा धंधा ज्यादा मुनाफा बैंक का. जितना हम ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा बिजनेस लाइन यूज करेंगे, उतना बैंक को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सेम वे आज व्यापारी को मिलेगा. कई बार ये कहा जाता है कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके डेटा है, जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी सेफ्टी को लेकर बातचीत होती है. कई बार ऐसी खबरें आई हैं हाल के दिनों में अलग अलग सेक्टर में कि डेटा लीक हुए हैं और भी तरह तरह की बातें. तो मैं जानना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डेटा की सेफ्टी कितनी है और क्या इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. देखिए नितिन जी, मैं सच बोलूं तो इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. सब कुछ इंक्रिप्टेड है और यहां से डेटा कोई भी लीक नहीं होती है. मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मुझे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, काफी एफिशिएंसी मिल रही है मुझे. और क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सारे के सारे स्टेक होल्डर जो है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सबसे बड़ी बात है. हर हर बंदा, हर स्टेक होल्डर हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड ये देख पा रहा है कि उसकी ट्रांजेक्शन की क्या हालत है या वो ट्रांजेक्शन किस जगह पे आज के दिन खड़ा है. तो वो जितने भी रिस्क फैक्टर है या फ्रॉड फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर दे रहा है. कुल मिलाकर सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर के, और बदलते समय में और खास करके जब कोरोना का वक्त आया तो उस वक्त लोगों को ये एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रेड में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसका एक्चुअल यूज लोगों को अभी पता चला है. हम उम्मीद करते हैं कि नई तकनीक आगे और आगे बढ़े और इसमें ग्रोथ हो. बहुत बहुत शुक्रिया. हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है. सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता. अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकम्पोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है.
पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकम्पोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है, और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा, इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शॉर्ट ब्लास्ट SIP, छोटे समय के लिए बड़ी SIP। अगर समझिए आज 8,800 के आसपास बंद हो रहा है, वहां पर आ रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 8,300-8,400 के आसपास आजकल परसों कभी मिले, और अगर ही आज 8,300 आ जाए तो 40% डालिए, ठीक है। और 7,500-7,600 के आसपास जाए तो वहां 20% और जाएगा आपका, ओके। ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP है, लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। तीन चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से, अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट ब्लास्ट SIP, ओके। और अगले 6 साल के बाद, अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका जो प्यार होगा ना, वो मेरे लिए कई गुना होगा। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल, विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स, सदा बाहर है सेठी साहब, तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज, सुमित देंगे सुपर हिट, जय का होगा जैकपॉट, और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। सुबह 8 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर परफेक्ट स्ट्रेटेजी, 8:30 बजे खबरों और नतीजों के दम पर शेयरों में सटीक राय, 9 बजे आएगा मजबूत फंडामेंटल वाला मालामाल शेयर, 9:08 पर आप लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पहला ट्रेड, 9:15 से शुरू होगी एक के बाद एक धमाकेदार कॉल, 9:30 बजे मिलेगा मजबूत फंडामेंटल वाला एक बेहतरीन शेयर और साथ ही कैश का ऑप्शन भी, 10 बजे करेंगे 10 की कमाई और शानदार SPL मिड कैप स्टॉक्स की, 10:45 पर न्यूज पर व्यूज में जानिए मैनेजमेंट से अंदर की बात, यानी कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, सबके काम का शो। सुबह 7:50 से नॉन स्टॉप 11 बजे तक रहिए मेरे साथ शेयर बाजार लाइव और फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ जी बिजनेस पर। रियल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजे से पहले नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते रहिए।
कार्यक्रम में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जिन्हें आप जानते पहचानते न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया भर में, लेकिन फिर भी उनके परिचय के साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं जो परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं उनमें से शायद आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा, अरे ये भी उन्होंने किया है, अरे ये भी उन्होंने किया है। जी हाँ, हमारे साथ योग गुरु पतंजलि आयुर्वेद के और रुचि सोया के स्वामी रामदेव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे दर्शकों को बता दूं 1965 में स्वामी जी का जन्म हुआ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। उसके बाद आपके गुरु आचार्य बालदेव जी ने उन्हें रामदेव का नाम दिया और उसके बाद अब आपको मैं बताता हूं जो स्वामी जी ने पढ़ाई की है, संस्कृत, योग, दर्शन, वेद, उपनिषद, इन सब में आचार्य की डिग्री ली है। जी हाँ, आप आमतौर पर देखते हैं ना कि कितनी डिग्री सीए, एमबीए, सीएफए और ये सब लगी है, ये इनसे बड़ी बड़ी कई सारी डिग्रियां स्वामी जी के साथ लगी हुई है। 25 साल की उम्र में आपने सन्यासी की दीक्षा ली और नाम आपका स्वामी रामदेव हुआ और उसके बाद 2006 में पतंजलि आयुर्वेदिक की स्थापना की है और उसके बाद जो पतंजलि आयुर्वेद फला फूला है वो सब आपके सामने है और 2017 में इंडिया टुडे ने आपको देश के सबसे पावरफुल 50 लोगों में पांचवें नंबर पर रखा है। अब आइए स्वामी जी का करते हैं स्वागत। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार, आपने वक्त निकाला और सबसे पहले आपको पतंजलि आयुर्वेद को और आपके सभी सहयोगियों को नए साल की हमारे विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अनिल जी आपको भी और पूरे जी बिजनेस परिवार को, पूरे जी परिवार को, क्योंकि मेरा लगभग पिछले 3 दशकों से जी परिवार के साथ एक आत्मीय संबंध रहा, क्योंकि ये राष्ट्रवादी परिवार है, ये अध्यात्मवादी परिवार है और जो दौर शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का भारत में, माने मीडिया में आत्मनिर्भरता क्या है ये जी मीडिया ने सिखाया था। क्योंकि मैं किसी को अभी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात ही कहता हूं, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ एजुकेशन रिसर्च में सुरक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो जी ने भी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है और जी ग्रुप के साथ उनके जो रचना धर्मिता के काम है, गो सेवा से लेकर के राष्ट्र सेवा के काम है, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की शुभकामना देते हुए ये भी कहना चाहता हूं, हमें हर क्षेत्र में लोकल के लिए हमें वोकल होना और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए काम करना और पतंजलि इसके लिए बड़ी प्रेरणा है, हमने करके दिखाया है। 1995 में संस्थागत रूप से हमने पहला ट्रस्ट बनाया था, यद्यपि हमारी 3 दशक हो गए सेवा के, लेकिन आज ये 25 पार करके हम ने जो कीर्तिमान बनाया योग में, आयुर्वेद में, वैदिक शिक्षा में, करोड़ों लोगों की सेवा करके, वो तो है ही है। दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद पर आधारित रिसर्च का इंस्टीट्यूट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा का इंस्टीट्यूट जहां से अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं योगाग्राम, तो योगाग्राम से लेकर पतंजलि योगपीठ से लेकर पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के दिव्य फार्मेसी से लेकर के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 2.5 लाख से ज्यादा 2.5 लाख से